हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं एक टीवीएफ की वीडियो। इट्स बीन लाइक सो लॉन्ग दैट आई वॉच्ड अ टीवीएफ वीडियो। आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन वाज द लास्ट टाइम आई वॉच्ड अ टीवीएफ वीडियो, बट वी आर बैक ऑन टीवीएफ। इट्स बीन सो लॉन्ग, आई थिंक a lot of the TVF fatigue has worn off. So let's go and check out TVF something Hindi with school teacher. I don't know what that means, but that's my challenge. कि मैं वीडियो देख के समझूं कि उस हिंदी वर्ड का मतलब क्या है। मैं Google Translate कर सकता हूँ, मैं बाद में कर लूँगा, but I want to see what does it mean. मैम ये रहा मार्कशीट, ये रहा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, है ना? एक सेकंड ना मैम। हाँ बाबू, हाँ कॉर्नर सीट सी बुक किया है। हाँ बाबू, पॉपकॉर्न और नाचोस भी खिलाऊंगा। हाँ बाबू, अपने हाथ से। साले बाबू राव, तेरा ज्यादा नहीं हो रहा? मैंने बोला था तुझे अपने हाथ पे प्याज रख के काटने के लिए। हाँ हाँ, पहुंच जाऊंगा। कितनी सारी वो थी एक छोटे से एक्सचेंज में। पहले लगा ये अपनी गर्लफ्रेंड से बात, फिर पता चला कि हाँ ये अपने दोस्त से बात, फिर उसने बोला अपने हाथ से, तो आपने बोला क्या ये इसका गे पार्टनर है? देन ही रिवील्ड कि उसके हाथ कट गए। टीवीएफ ब्रो, क्लासिक टीवीएफ ब्रो, हर जोक में मेहनत, हर जोक में एफर्ट नजर आती है। आप ये बैठ के ये नहीं कि एक घंटे में उन्होंने स्क्रिप्ट लिख दी छह लोगों ने मिलकर। दे एक्चुअली थिंक अबाउट देयर जोक्स, दे एक्चुअली थिंक अबाउट देयर लाइंस। दिस इज व्हाई आई ऑलवेज लव टीवीएफ, दिस इज व्हाई आई ऑलवेज कीप लविंग टीवीएफ। चप्पल गैंग, दैट इज क्रू। पीछे हुडी में जो बंदा घूम रहा था, एनकाउंटर विद टीचर, मीटिंग विद टीचर। अरे सुनो, ये टीचर है ना, फाइट विद टीचर। तुम सीता कुंज महाविद्यालय में पढ़ते थे ना? हाँ हाँ सर, तेजस महेश्वरी। नहीं नहीं, नाम तो याद नहीं है, लेकिन ये शरीर कोई कैसे भूल सकता है? वो तुमने आठवीं कक्षा में वो ऑब्स्टिकल रेस में हिस्सा लिया था। हाँ हाँ हाँ, पार्टिसिपेंट्स के लिए फाइनल ऑब्स्टिकल तुम ही बने थे। उस साल कोई रेस नहीं जीता था। हाँ सर। क्या क्या? शुभ मध्याह्नम कौन बोलेगा? सॉरी सर, शुभ मध्याह्नम। अच्छा छोड़ो, ये फॉर्म भर दोगे? मैं अपना चश्मा लाना भूल गया हूँ। ये बैंक डिपॉजिट का फॉर्म, और ये डीमैट अकाउंट का फॉर्म, और ये फाइनल सेटलमेंट का। गोपाल बहुत आला यार, गोपाल इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर यार। कैसा टीचर बनने का रोल है, तो कितना सॉफ्ट स्पोकन, एक टीचर वाली आवाज में किस तरह। सच अ गुड एक्टर यार, लव दिस एक्टर। ट्रैप्ड विद टीचर, ओके। नाम मेक सेंस। तेजस महेश्वरी सर, अभी बताया था। मेरा नाम भरो फॉर्म में। नाम भूल गए मेरा? हाँ सर, एक्चुअली कभी आपको नाम से बुलाया ही नहीं। स्कूल में भी सब लोग आपको संस्कृत वाले सर ही बोलते थे। तो अच्छा, घर में पिताजी को भी तो पापा पापा बोलते होगे, उनका नाम याद है कि वो भी भूल गए? याद है सर। लिखो, हसन अली। सर एज 55। तुमको इतना बूढ़ा लगता हूँ क्या मैं? नहीं सर। सुनो हसन अली, आज भी सारे धारावाहिक टीवी पे नहीं, ऑनलाइन देखता हूँ। हाँ सर, फोटो है सर आपका? स्टिल यंग। बिल्कुल है, ये गेम ऑफ थ्रोन देखते हुए फोटो, ये नार्कोस देखते हुए, ये 13 रीजंस व्हाई, ये बिग बॉस। अरे सर ये नहीं सर, मतलब पासपोर्ट साइज फोटो है क्या फॉर्म के लिए? इससे बोलो ना, ये लो। इसमें तो काफी यंग लग रहे हो सर, लेटेस्ट फोटो है क्या आपके पास? क्या कर रहे हो आजकल? सर कुछ नहीं, वो बीटेक खत्म होने के बाद मैं 10 to 10 की इंटर्नशिप कर रहा था, जमी नहीं तो छोड़ दी मैंने। हाँ मैं भी संस्कृत पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा ऊब गया हूँ। होना ही था सर, लेकिन बेरोजगार नहीं हूँ। सर्दियाँ हैं, लगन का सीजन, पार्ट टाइम पुजारी का काम करता हूँ। तुम क्या कर रहे हो जॉब छोड़ के? सर अभी तो घर बैठ के कैट प्रिपरेशंस के लिए कोचिंग ले रहा हूँ। यही तुम्हारे जेनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हर बात के लिए कोचिंग। पहले स्कूल में कोचिंग, aren't you a coach? एडमिशन के लिए कोचिंग, अब MBA के लिए कहीं बाहर जाके कोचिंग कर रहे होगे? अरे बाहर नहीं सर, ऑनलाइन। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप से ना मैं वीडियो लेक्चर्स ले रहा हूँ। cool. अरे हटाओ, फोन से भी कहीं पढ़ाई होती है? अगर तुम्हारा ये फोन बंद हो गया तो तुम्हारी पढ़ाई तो गई खड्डे में। अरे नहीं सर, आप लेक्चर ना कभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो। भाई सलिंग सलिंग स्टार्ट कर सकते हो। अब कोचिंग टीचर से पढ़ने से तो ज्यादा कन्वीनिएंट है इस पे पढ़े। जो बात है हुँ? आज फोन पे ही पूरा क्लासरूम भाई, अनअकैडमी भाई। साइंस है कुछ नहीं सर,
Nice shot. What a cool shot, bro. मैं दिखा रहा था, पहले कैसे आ गए? Wrong. अरे no entry में कैसे घुस? Okay, okay, sorry, sorry. हाँ, मैं आता हूँ बस. सर वो एक्चुअली मेरी कैब आ चुकी है. आप जल्दी से एक नॉमिनी का नाम बता दीजिए जिसे आपके जाने के बाद पैसा मिलेगा. मैं कहाँ जा रहा हूँ? सर मेरा मतलब है कि हो सकता है आपके पहले मैं चला जाऊँ. वो तो होगा ही. मेरे बेटे का नाम लिखो, अशफाक अली. करता क्या है सर वो? अरे दिमाग खराब करता है क्या? अरे सर मेरा मतलब ऑक्यूपेशन, क्या लिखूँ इसमें? अपनी रसोई चलाता है. हाउस हस्बैंड मतलब अनएम्प्लॉयड. अरे अपनी रसोई नाम का यूट्यूब चैनल है उसका. नई नई रेसिपीज के वीडियो बना के डालता है. बिना माँ का बच्चा इसलिए हाथ से निकल गया. आई एम सो सॉरी टू हियर दैट, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आपकी वाइफ का मरी नहीं है, मर्चेंट नेवी में है, 8 महीने बाहर रहती है. तुम क्यों हम दोनों को मारने पे तुले हो? हैं? यही शिक्षा मिली है क्या तुम्हें स्कूल? कौन भाई था तुम्हारा क्लास टीचर? मैं अभी फोन करता हूँ. कौन था? द्विवेदी सर थे. वो द्विवेदी तो है ही बहुत बड़ा था, उससे पढ़ोगे तो यही. अरे सर कैब आ चुकी है सर, आप अपना आधार नंबर. गुड, आई लाइक इट सो फार, क्योंकि टेंशन बढ़ रही है. लग रहा है कि हाँ, ही इज इन एमरजेंसी. वो भी उतना ही हाई इंटेंसिटी होते जा रहा है, क्योंकि ऑडियंस को फील करना चाहिए इस वक्त की इंटेंसिटी बढ़ रही है. देयर इज नो नीड फॉर टीचर टू बी दैट अपसेट ऑलरेडी, बट ही इज बिकॉज इंटेंसिटी बढ़ रही है. दिस इज गुड. क्यों हम दोनों को मारने के पीछे पड़े? ये देखो. He's gonna go on about this stupid story now. आधार कार्ड तो मैं लाना भूल गया. याद नहीं है क्या आपको? अरे आधार कार्ड कोई शादी का मंत्र है जो मैं याद रखूंगा? एक मिनट. नहीं, मैंने तुमको कितने संस्कृत के श्लोक सुनाए थे, तुमको कोई याद है? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः. गायत्री मंत्र के अलावा वक्रतुंड महाकाय. हेलो, सुना रहा ना? बोलो और बोलो. हाँ, मेरी अलमारी में से मेरा आधार कार्ड देख के जरा नंबर बताना. शीघ्रम करोति. अरे हसीना अली इसकी अम्मी है क्या? फोटो देख के समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको? हाँ हाँ, दोनों के बॉयकट है, पर दाढ़ी तो सिर्फ मेरी है ना. हाँ, देखो यहाँ बहुत कंफ्यूजन हो रहा है. संदेशम करोति. संदेशम करोति मैसेज में. आ गया. हाँ हाँ सर बताइए. ये है 8334. हाँ हाँ सर. हाँ सर, हो गया हो गया हो गया सर, हो गया. यहाँ पे साइन कर दीजिए बस. कहाँ? ये यहाँ पे सर. ये ऊपर नीचे कहीं भी कर दीजिए सर, बस कर दीजिए. मुझे दिख नहीं रहा है ना कहाँ पे करने हैं. अरे सर आप अपनी आईडी कार्ड दीजिए, मैं खुद ही आपकी साइन कर दूंगा सर. यही शिक्षा मिली है तुमको स्कूल में, नकल करने की शिक्षा. रिपोर्ट कार्ड में भी जरूर अपने पिता गई इसकी कैब. तुम ही साइन करते होगे. हाँ सर, मैं ही करता था, मैं ही करता नहीं था, करता भाई. अब प्लीज साइन कर दीजिए सर. कहाँ? ये यहाँ. हाँ यहाँ. हाँ सर यही. पकड़ो, ठीक से पकड़ो. तो साइन कैसे करोगे आप? मैम ये लीजिए, ये फॉर्म है उनके, आधार कार्ड सब, आधार नंबर सब कुछ है उनके. हेलो. हाँ हाँ हाँ, बस बस पहुंच गया बस. अरे कहाँ जा रहे हो अभी? रुक तो जाओ, 5 स्टार्स हुआ. ठीक है, अच्छा ठीक है, टिप भी दे दूंगा. अच्छा हाँ, बस पहुंच गया. ओके सर, मैं निकलता हूँ. वो हो गया, वो कैब वाला भी आ चुका है. अच्छा, ठीक है ठीक है. अरे तेजस. हाँ सर. बेटा ये कह रहे हैं कि ये तीनों फॉर्म की तीन तीन फोटो कॉपी करा लाओ. दो दो साइड, बोथ साइड. जा भाग के करा, अभी जाएगा 2 मिनट. लड़का दिखता भारी है, बहुत फुर्तीला है, जल्दी से लेके आएगा. Okay, I see. So this is like a new series that they're doing. If you get stuck with somebody in certain situations, okay, what is it like? Yeah, TVF is one of those companies that do, you know, videos about human interest stories, human life stories, and human lifestyle stories even. Not lifestyle as per, but like human interest stories, or, you know, things that are super relatable for every general person. You don't have to be a Muslim, Hindu, black or white, or tall or short. Well, tall or short maybe. But you don't have to be, you know, one kind of person to understand or like or appreciate TVF's humor. They do human for everyone and for everybody to appreciate without offending anybody as such. You know, they are always on the border
लाइन क्रॉस नहीं करते कभी भी, अगर करते भी हैं तो इन गुड टेस्ट, एंड दैट्स व्हाट्स रिक्वायर्ड यार. कॉमेडी में मैं कहता हूँ लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन इट शुड बी इन गुड टेस्ट, इट शुड बी इन बैड टेस्ट. समझ लो, एक कंजर बने में आके आपको कॉमेडी करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. जस्ट टू मेक समथिंग फन एंड यू नो टॉक अबाउट समथिंग एंड टू मेक सम पीपल लाफ, सो दैट्स शुड बी योर गोल, नॉट टू हर्ट पीपल बट टू मेक सम पीपल लाफ. So yeah, that's what TVF does, and that's why I love TVF. I think it's a really smart show, and I see the numbers. They get a lot of views on these series. People actually apparently really loves it. And yeah, I was offended ke Badri ka naam yaad nahi hai yaar. Badri ka naam kisko yaad nahi hota yaar? Come on man, Badri ka naam sabko yaad hota hai. So I see in the comment section bahut uski wo ho rahi hai, wah wah ho rahi hai ki Hasan Ali naam ka banda Sanskrit ka teacher tha. Bhai, Sanskrit is a language yaar. Iske liye aapko koi zaruri thodi hai aap Hinduism mein believe karo ya Islam mein believe karo to learn Arabic. It's a language, you can learn it and you can be an expert in it. There's no problems about that. So yeah, I mean sure, people really cherish ab to positive jo bhi nazar mil cheez milti hai hum usko uthate hi ki bhai dekho kitni achhi cheez ho rahi hai. Karna padta hai kyunki burai bhi bahut badh gayi hai is duniya mein. I like ke people are at least you know happy about that ki dekho yaar Hasan Ali naam ka banda hai and he is teaching sir, which is again something really beautiful about India. You can see that in Pakistan you'll see Hindu teachers that know Arabic and that know Urdu, salees urdu ke teachers Hindu bhi ho sakte hain, you know. So it's not like religion has to do anything with language. As such, language is universal. All languages can be universal. Anybody can learn them eventually and be an expert at them. So I think that's just a normal thing. And I think it's a misconception to think that Sanskrit jo hai wo sirf pujari type ke logo ko hi aati hogi, ya jo priest hote hain ya jo religious scholars hote hain sirf unhi ko aayegi. It's a language. Anybody can learn it. Just like Arabic, just like Hebrew, just like you know Latin. So I think it's okay. It's a good thing. But I guess we shouldn't like give importance to these things because these are like regular things. It's normal. I love that in comments. People are saying that ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये तो TVF ने गलती कर दिया. And then there are people actually saying कि मेरे 8th grade में संस्कृत के टीचर थे, उनका नाम था ये अल्लाह वाला और you know कोई मुस्लिम नाम. Like I said, it's a language. आपको जरूरत नहीं अपना दीन छोड़ने के लिए एक लैंग्वेज सीखने के लिए. इसमें कोई गुनाह भी नहीं है. आप सीख सकते हो, आपको जो जबान सीखनी है चाहे वो संस्कृत हो चाहे वो हिब्रू हो कुछ भी हो, आपको अगर जबान सीखनी है उसमें कोई गलत बात नहीं है एकेडमिक रीजन की वजह से. इट्स अ गुड शो. आई लाइक हाउ वेल इट इज प्रोड्यूस्ड एंड आई लाइक हाउ वेल इट्स रिटन एंड एवरीथिंग दैट TVF डज रियली गुड. दे हैव डन रियली गुड. सो या, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. Thank you for requesting this, everybody. Thank you for watching. Let me know which other video you want me to react to next. Leave it in the comments below. Tweet me at Pakistani Reacts. Follow me on Instagram at @FarukNotFaruk. I will see you guys tomorrow with another video. Take really, 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 and I mean it, like really, really good care of yourself. Shabakhair.